ओके तेरे भाई, काफी लंबे समय के बाद में भाई ओप्पो अपनी के सीरीज में आने वाले एक और नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रहा है भाई हमारे इंडिया में, जो कि भाई ओप्पो K10 4G। अब बेसिकली जो स्मार्टफोन है वो हमारे इंडिया में लॉन्च होने वाला है भाई 23 मार्च को फ्लिपकार्ट पे, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्पेशल होने वाला है, ना ही ऑफलाइन में मिलेगा, ना ही ये अमेजोन पे मिलने वाला है, ये ओनली अवेलेबल होने वाला है भाई फ्लिपकार्ट पे। एंड बेसिकली ये जो स्मार्टफोन वो आपको मिड रेंज लेवल की कैटेगरी में देखने को मिलने वाला है। इसलिए क्वेश्चन तो ये निकल के आता है कि क्या ओप्पो K10 4G का ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए राइट ऑप्शन रहने वाला है, क्या ये फोन गेमिंग के लिए बना भी है या नहीं, या फिर हमें इसे गेमिंग के लिए कंसिडर करना भी चाहिए नहीं। तो डोंट वरी यार, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि भाई ओप्पो K10 4G फोन गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला, और क्या ये फोन आपको गेमिंग के लिए कंसिडर करना भी चाहिए नहीं। उसी के साथ साथ आपको जायरोस्कोपिक परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती, हीटिंग वाला इशू देखने को मिलता है नहीं, पबजी मोबाइल या फिर BGMI में आपको बाय डिफॉल्ट में क्या ग्राफिक्स देखने को मिलती, ओवरऑल क्या स्पेक्स देखने को मिलते और किस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी कारण से भाई हमारी ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली, तो भाई इस वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, बाकी चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारी आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तरह बात करते हैं भाई ओप्पो K10 4G के लुक एंड अपीयरेंस के बारे में, इसका लुक एंड अपीयरेंस जो देखने को मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं पोको X Pro 5G से बिल्कुल मिलता जुलता देखने को मिलने वाला है, बट इनमें आपको काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो स्मार्टफोन होने वाला है वो एक मिड रेंज लेवल का स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं एंड जो फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं वो काफी सॉलिड देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ये निकल के आते हैं कि क्या आपको इसमें परफॉर्मेंस भी काफी सॉलिड देखने को मिलने भी वाली है या नहीं। तो इसलिए हम लोग ओप्पो K10 4G इस फोन के हम धमाकेदार स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड इसकी प्राइस सेगमेंट के बारे में तो इस वीडियो के लास्टली डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में, जान लेते कि भाई आखिर ये फोन एग्जैक्टली गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला। तो भाई इसी कारण से हम इसे रिस्क करने वाले भाई पबजी मोबाइल को, बेसिकली BGMI को, एंड दोनों में ही आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक्स जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी भाई स्मूथ में हाई। जी हाँ गाइस, आपको बाय डिफॉल्ट अनलॉक देखने को मिल जाता है भाई स्मूथ और हाई। और वही बात करते हैं इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ आपको बैलेंस में मीडियम ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, यानी कि मिनिमम ग्राफिक्स में आप 30 FPS में गेम प्ले कर पाओगे और मैक्सिमम ग्राफिक्स में आप 25 FPS में गेम प्ले कर पाओगे ओप्पो K10 4G इस फोन के साथ में। तो ग्राफिक सेटिंग के मामले में यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा डिस्पॉइंट करने वाली बात निकल के आती है। हालांकि इस फोन में आपको एकदम ब्रांड न्यू चिपसेट देखने को मिलता है, बट स्टिल उस चिपसेट में जो कोर्स यूज किए गए वो एकदम पुराने ही कोर्स यूज किए गए हैं, इसी कारण से यार आपको ये ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। बाकी ओवरऑल 30 FPS परफॉर्मेंस के मामले में कोई इश्यू देखने को नहीं मिलता, इवन सैनोक के बूट कैम में भी ये प्रॉपर 30 FPS को मेंटेन कर पाता है, लैग भी नहीं होता है, ग्राफिक्स को लेकर भी कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है और कोई मेजर रेंडरिंग को लेकर इश्यू भी देखने को नहीं मिलता है। बट कहीं ना कहीं अभी के टाइम के लिए आपको मिड रेंज लेवल के स्मार्टफोन में 30 FPS देखने को मिलता है तो ये कोई सेंस बनाता ही नहीं है, क्योंकि यार आप सभी को पता है कि भाई इवन 10,000 rupees के प्राइस सेगमेंट में आपको मैक्सिमम स्मार्टफोन में 40 FPS अनलॉक देखने को मिल जाता है और उसमें आपको परफॉर्मेंस भी काफी सॉलिड देखने को मिल जाती है। बट अभी भी आपको ओप्पो K10 4G में देखने को मिलता है 30 FPS का सपोर्ट और 30 FPS में गेम प्ले करना भाई उतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि भाई फोन लैग कर रहा है, फ्रेम ड्रॉप कर रहा है या फिर आपको FPS उतने देखने को मिल रहे हैं और कैरेक्टर भी प्रॉपरली मूवमेंट नहीं करता है, इसलिए भाई 30 FPS में गेम प्ले करना मुश्किल सा बन जाता है। और खास करके भाई अभी 2022 आ चुका है और अभी के टाइम के लिए अगर आपको मिड रेंज स्मार्टफोन में 30 FPS देखने को मिले तो मैं तो आपको अभी से ही उस स्मार्टफोन को स्किप करने का सजेशन देता हूं भाई गेमिंग के लिए। तो ओप्पो K10 4G जो स्मार्टफोन निकल के आता है वो गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा स्मार्टफोन निकल के नहीं आता है। लेकिन वही बात करते भाई इस फोन के जायरोस्कोप और इसके हीट मैनेजमेंट के बारे में, तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है भाई फिजिकल वाला जायरोस्कोप, एंड जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है उसके अकॉर्डिंग तो यही बताया जा रहा है कि इसके जायरोस्कोप में आपको डिले देखने को नहीं मिल सकता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। हो सकता है कि भाई इसके जायरोस्कोप में आपको डिले देखने को मिल जाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आपको एनीहाउ किसी भी कंडीशन में आपको ये फोन पसंद आ जाता है, वैसे तो ये फोन आपको पसंद आना नहीं चाहिए, बट फिर भी तो आप इसके जायरोस्कोप के बारे में एक और बार कंफर्मेशन डेफिनेटली कर लीजिएगा, या फिर अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली इन्फॉर्म करके बता ही देने वाला हूं। बाकी अच्छी बात यह कि यार इस फोन में आपको कोई भी हीटिंग वाला इशू देखने को नहीं मिलता, इवन अगर आप 40 मिनट की भी गेमिंग कर लोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो 39-40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है, 33 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे, तो हीट मैनेजमेंट भी अच्छा देखने को मिल जाएगा, बट परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली भाई ओप्पो K10 4G इस फोन के साथ में। लेकिन वही बात करते हैं कि भाई आखिर आपको ऐसी परफॉर्मेंस किस स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस सेगमेंट के बेसिस पे देखने को मिलने वाली है। तो गाइस बात करते हैं भाई ओप्पो K10 4G इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यार अभी आप देख सकते हैं भाई इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा।
ओके तैयार, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.59 इंचेस का एक 90 हर्ट्ज के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले विद 180 के सैम्पलिंग रेट के साथ में। तो यार आपको डिस्प्ले के साइज में, डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलते, काफी अच्छा यार आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। LPDDR4X RAM एंड UFS 2.2 ROM का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। 5GB तक की वर्चुअल RAM को आप इसमें एक्सपेंड भी कर सकते हो। 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगा। ऊपर से यहाँ पे आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना कि भाई इस फोन में आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। 33W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलने वाला है। एंड ऐप आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही बात करते हैं भाई इस फोन के मोस्ट हाइलाइटेड पार्ट के बारे में, जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। तो गाइस इस फोन में आपको देखने को मिलने वाला है भाई Qualcomm की तरफ से आने वाला एकदम ब्रांड न्यू चिपसेट, जो कि भाई Qualcomm Snapdragon 680 चिपसेट। जी आ गया, ऐसे आपको Snapdragon 680 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि भाई 6nm पे बना हुआ चिपसेट है। डुअल 4GB चिपसेट है। एंड भाई परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो भाई आपको Snapdragon के 665 एंड 662 जितनी परफॉर्मेंस निकल के देता है, क्योंकि यहाँ पे वही कोर्स यूज किए गए जो कि आपको उन कोर्स में देखने को मिल जाते हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो ये चिपसेट बिल्कुल भी अच्छा निकल के नहीं आता है। हालांकि आपको डे टू डे लाइफ एंड नॉर्मल वर्क में ये आपको कोई भी इशू प्रोवाइड करके नहीं देने वाला है, बट गेमिंग के मामले में ये चिपसेट बिल्कुल वीक चिपसेट निकल के आता है। बाकी वही बात करते भाई इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो बताया जा रहा है कि भाई ये जो फोन है वो हमारे इंडिया में, बाकी वही बात करते भाई इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो बेसिकली जो स्मार्टफोन है वो हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ है भाई दो ही वेरियंट के साथ में, 6GB 128GB 8GB 128GB। एंड इसका जो बेस वेरियंट निकल के आता है 6GB 128GB, वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ भाई ₹15,000 के प्राइस सेगमेंट में। एंड इसका जो हायर वेरियंट निकल के आता है 8GB 128GB, वो हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ भाई ₹17,000 के प्राइस सेगमेंट में। अगर आप एक ओप्पो लवर हो और अगर आपको ये फोन पसंद आ गया है और आप एक डिसेंट गेमिंग करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। आपको ज्यादा मेजर इशू इस फोन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। बट इसी के प्राइस सेगमेंट में आपको इससे 20 लेवल के स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे भाई मार्केट में, तो इसलिए मैं तो इस फोन को आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। बट यार आप सभी को ये फोन कैसा लगा एंड क्या आप इस फोन को कंसीडर करना चाहोगे या नहीं, मुझे कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। एंड आपके अकॉर्डिंग ये फोन हमारी इंडिया में कितने प्राइस पॉइंट में लॉन्च होना चाहिए था, तब जाके आप इस फोन को कंसीडर करते, मुझे आप ये भी कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। बाकी अगर आपको 15,000 के प्राइस सेगमेंट में आने वाले बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में जानना है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको Redmi 10 4G की गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल क्लियर इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलता हूं आपको अपने अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।